ये है पुलिस की सच्चाई और डिजिटल इंडिया की कहानी जिसे मीडिया नहीं दिखाएगी। मीडिया सिर्फ वही दिखाएगी जिस चीज को दिखाने के लिए सरकार उसे पैसे देती है। मीडिया आज चाटुकार है सरकार का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया आज बिक चुकी है। इस बात को आपको मानना होगा। आखिर पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का परिभाषा क्या होता है? पुलिस का परिभाषा यह होता है मोटे तौर पे कि एक निहत्थे इंसान को बचाना है, एक निर्दोष को न्याय दिलाना है, उसे सामाजिक प्राणी बनाना है और उसे समाज में रहने के लिए उनके अनुकूल समाज को तैयार करना है। लेकिन पुलिस की सच्चाई क्या है? आपने वीडियो में देखा एक निहत्थे इंसान को पुलिस किस तरह से पीट रही है। थर्ड डिग्री टॉर्चर इसी का नाम है। एक निहत्थे इंसान के साथ पुलिस इस तरह का सलूक कर रही है और तमाम मीडिया खामोश है, तमाम नेता खामोश है और सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि देश की तमाम जनता भी खामोश है। आखिर अपना देश कहां जा रहा है? एक तरफ तो कहते हैं कि अपना देश चांद पे जाएगा, अपना देश डिजिटल बनेगा, यहां सभी को सम्मान मिलेगा, लेकिन दूसरे तरफ एक इंसान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम आला अधिकारी खामोश है, कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये नहीं पूछ रहा है आखिर एक निहत्थे इंसान के साथ पुलिस जानवरों जैसा सलूक क्यों कर रही है। क्या इसी तरह अपना देश डिजिटल बनेगा? क्या इसी तरह अपना देश चांद पे जाएगा? सर मारनी चाहिए ऐसे समाज को जो सवाल करने से भी डरती है। आप शेयर कीजिए और सवाल पूछिए कि पुलिस का काम क्या होता है, एक निहत्थे इंसान को इस तरह से पीटना पुलिस का काम होता है? आप शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।